तो बच्चों आज का हमारा चैप्टर है इक्विलिब्रियम और इक्विलिब्रियम का सबसे बेसिक टॉपिक कर रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम और स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर वन से डिफाइन द टर्म इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम क्या है या इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या है देखो इक्विलिब्रियम तीन तरह के होते हैं फिजिकल केमिकल और आयनिक और फिजिकल इक्विलिब्रियम में केवल स्टेट बदलती है केमिकल फार्मूला वही रहता है एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मैं बात करूँ वाटर की वाटर को अगर हम एवोपरेट करेंगे तो वाटर एवोपरेट होगा वेपर बनेगा वेपर बनेगा तो कंडेंस भी होगा जब एवोपरेशन का रेट कंडेंसेशन के बराबर हो जाए तब हम उस कंडीशन को कहेंगे इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ वाटर एंड वेपर वैसे ही केमिकल इक्विलिब्रियम होगा जहां पर केमिकल फॉर्मूला बदलेगा आयनिक इक्विलिब्रियम में आयंस जितने ब्रेक होंगे उतने ही आयन जोड़कर दोबारा वो कंपाउंड बना लेंगे तो उस तरह का इक्वलीब्रियम आयनिक इक्वलीब्रियम कर लाएगा तो इक्वलीब्रियम का बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट जो है आज उसको हम ढंग से समझेंगे कि इक्वलीब्रियम अगर माइंड में आ जाए तो हमें क्या इमेजिन करना है ठीक है अब देखो जैसे इक्विलिब्रियम की मैं बात करूं तो मैंने यहां दो कंटेनर लिए हैं कंटेनर ए है और दूसरा कंटेनर है बी यहां दो कंटेनर ए एंड बी अब ए में यहां पर इस हाइट तक वाटर भरा हुआ है तो वाटर कहां से कहां जाएगा ए टू बी कब तक जाएगा जब तक दोनों कंटेनर का वाटर लेवल बराबर ना हो जाए ठीक है तो यहां पर ए में जब वाटर भर दोगे आप तो भाई वाटर ए टू बी जाने लगेगा कब तक जाएगा जब तक दोनों के कंटेनर का लेवल बराबर ना हो जाए अच्छा अब अगर मान लो बी में वाटर यहां पर ज्यादा आ गया तो फिर वही जो एक्स्ट्रा वाटर है वो रिवर्स जाएगा कब तक जाएगा जब तक दोनों का वाटर लेवल बराबर ना हो जाए इस तरह की कंडीशन को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन अब देखो इसको हम रिएक्शन से कैसे रिलेट करते हैं स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी कैपिटल बी स्मॉल सी कैपिटल सी स्मॉल डी कैपिटल डी यहां पर ये यह क्या है रिएक्टेंट है रिएक्टेंट वो है जो रिएक्ट करके किस में कन्वर्ट होगा प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तो यहां पर रिएक्टेंट आपस में टकराएंगे और प्रोडक्ट बनाएंगे ठीक है अब रिएक्टेंट टकराकर प्रोडक्ट बना रहे अब प्रोडक्ट अगर ज्यादा बन जाएगा तो प्रोडक्ट ब्रेक होने लगेगा तो यहां पर यह फॉरवर्ड रिएक्शन है और यहां पर यह है बैकवर्ड तो इक्विलिब्रियम में क्या होता है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन अब देखो वाटर लेवल अगर बराबर हो गया तो इसका मतलब यह नहीं है कि रिएक्शन स्टॉप हो गई है वाटर लेवल अगर बराबर हो गया है ये वाटर लेवल इसके बराबर है और अब वाटर लेवल चेंज नहीं हो रहा है तो एक तरीके से यहाँ पर यह ऐसा लग रहा है कि वाटर ए टू बी या बी टू ए नहीं आ रहा है लेकिन ऐसा नहीं है जितना वाटर ए टू बी आ रहा है उतना ही बी टू ए आ रहा है इक्विलिब्रियम इज डायनेमिक इन नेचर अगर कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम में अगर कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम में इसका मतलब यह नहीं है कि रिएक्शन रुक गई है रिएक्शन चल रही है बस जितनी फॉरवर्ड हो रही है उतनी बैकवर्ड हो रही है जिससे कॉन्सेंट्रेशन में कोई चेंज नहीं दिख रहा है तो इस कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान में रखना है इक्विलिब्रियम के व्हाट इज फिजिकल इक्विलिब्रियम जैसा ये बोल रहे हैं फिजिकल अब देखो केमिकल मतलब केमिकल फॉर्मूला बदलेगा फिजिकल मतलब फिजिकल स्टेट बदलेगी अब फिजिकल स्टेट की हम बात करते हैं अब फिजिकल स्टेट में सॉलिड लिक्विड गैस तीन स्टेट हैं। अब जैसे यहां पर वाटर है और वाटर लिक्विड स्टेट में है अब ये एवोपरेट होगा वाटर एवोपरेट होगा और इसको हम कहेंगे रेट ऑफ एवोपरेशन अब यही वाटर जो है वो कंडेंस होगा और इसको हम क्या बोलेंगे रेट ऑफ कंडेंसेशन तो स्टार्टिंग में क्या होगा सिर्फ एवोपरेशन होगा अब देखो अगर ये यह यहां पर ये यह जो बीकर है या फिर यहां पर जो एवोपरेशन है अगर ये ओपन है पूरी तरीके से तो भाई यहां पर बैकवर्ड रिएक्शन नहीं होने वाली आपको कंटेनर को कवर करना पड़ेगा अगर ओपन सिस्टम है तो फिर कैसे उसको रिवर्सिबल कराओगे कैसे बैकवर्ड कराओगे ठीक है तो ये सिस्टम में नहीं होगा हाँ अगर इस तरीके से क्लोज्ड सिस्टम है तो एक समय ऐसा आएगा व्हेन रेट ऑफ एवोपरेशन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन तो देखो जैसे वाटर है वाटर को हमने हीट करना स्टार्ट किया ध्यान से सुनना वाटर को हीट करना स्टार्ट किया तो ऐसा तो नहीं है तुरंत वेपर बन जाएंगे समय लगेगा भाई आप हीट करोगे वाटर हीट को एब्सॉर्व करेगा धीरे धीरे वेपर बनेंगे वेपर बनेंगे वेपर ऊपर कलेक्ट होते जाएंगे होते जाएंगे फिर वो कंडेंस होंगे मतलब कंडेंसेशन, एवोपरेशन के कुछ समय बाद स्टार्ट होगी और जब एवोपरेशन कंडेंसेशन के बराबर हो जाएगा उस कंडीशन को हम कहेंगे इक्विलिब्रियम, पहले तो सिर्फ एवोपरेशन होगा वाटर एवोपरेट होंगे एवोपरेट होंगे एवोपरेट होंगे और फिर जाके कंडेंस होना चालू करेंगे तो पहले एवोपरेशन फास्ट होगा कंडेंसेशन ना के बराबर होगा फिर धीरे धीरे कंडेंसेशन बढ़ेगा तो आप इसको समझ लो ये फॉरवर्ड है ये बैकवर्ड है लेकिन यहाँ पर केवल फिजिकल स्टेट बदल रही है वाटर लिक्विड से वाटर वेपर बन रहा है गैस बन रहा है लेकिन मॉलिकुलर फॉर्मूला वही है एच टू ओ लिक्विड से क्या बन रहा है एच टू ओ गैस वेपर तो यहां पर यह हो गया फॉरवर्ड और यह हो गया बैकवर्ड तो यहां पर फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन बराबर हो रही है। और फिजिकल स्टेट बदल रही है केमिकल फॉर्मूला नहीं बदल रहा इस तरह की इक्विलिब्रियम को हम कहते हैं फिजिकल इक्विलिब्रियम. वॉट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम. देखो एक मैंने आपको बताया फिजिकल इक्विलिब्रियम जिसमें वाटर एवोपरेट हो रहा है एवोपरेशन और कंडेंसेशन हो रहा है अब यहां पर अपन देखते हैं ये बी ये सॉल्ट है यह BASO4, यह और ये एक सेचूरेटेड सल्यूशन में अब ये सेचूरेटेड सल्यूशन है मतलब ये जो बी एस नीचे सॉलिड सॉल्ट है ये इसमें डिज़ोल्व नहीं हो रहा है लेकिन ऐसा नहीं है क्या नहीं है भाई बी एस ओ फोर जितना यहाँ पर क्रिस्टलाइज हो रहा है उतना डिज़ोल्व भी हो रहा है मतलब यहाँ पर जो सेचूरेटेड सल्यूशन है उसमें भी फिजिकल इक्विलिब्रियम है ये जो सॉल्ट नीचे है जो एक्स्ट्रा सॉल्ट है सेचुरेटेड सल्यूशन में वो इस इक्वलिब्र वो इस सोलूशन के साथ इक्विलिब्रियम में जितना क्रिस्टलाइज हो रहा है उतना ही डिजोल्यूशन हो रहा है यहाँ पर रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रेट ऑफ डिजोल्यूशन के बराबर है ये फिजिकल इक्विलिब्रियम का ही एग्जांपल है तो ये हम एग्जांपल देख रहे हैं फिजिकल इक्विलिब्रियम का अब यहां पर ये जो बी फोर है ये सॉलिड है तो यहां बी ए फोर सॉलिड से क्या बन रहा है बी ए प्लस टू प्लस फोर माइनस टू एक्वस तो सॉलिड से एक्वस और ये दोनों मिक्स होकर एक्वस से सॉलिड बनाएंगे तो ये क्या हो गया फिजिकल इक्विलिब्रियम इसके बाद आता आती है केमिकल इक्विलिब्रियम की केमिकल इक्विलिब्रियम में केमिकल रिएक्शन होने वाली है यहां पर नाइट्रोजन हाइड्रोजन कंबाइन होकर अमोनिया बनाने वाले हैं और नाइट्रोजन हाइड्रोजन कंबाइन होकर अमोनिया बनाएंगे यह है फॉरवर्ड रिएक्शन और स्टार्टिंग में फॉरवर्ड रिएक्शन ही होगी रिएक्टेंट आपस में टकराएंगे प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे फिर उसके बाद प्रोडक्ट ब्रेक होगा फिर रिएक्टेंट बनाएगा तो यहां पर देखो जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर हो जाए तो इसे हम क्या बोलते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम यहां पर देखो केमिकल ही बदल रहा है नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिलकर क्या बनाया अमोनिया ये फॉरवर्ड और जब अमोनिया ब्रेक होने लगा तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन बने तो ये बैकवर्ड हो गई तो यहां पर केमिकल फॉर्मूला चेंजेस यहां केमिकल फॉर्मूला बदल रहा है वहां फिजिकल में नहीं बदल रहा था ठीक है अब इसके बाद आता है एक आयोनिक इक्विलिब्रियम आयनिक में आप ऐसा समझ सकते हो जैसे सी एस थ्री सी एच है अब ये एसिटेट आयन और हाइड्रोजन आयन में ब्रेक होगा तो ये ब्रेक हुआ तो इसको हम क्या कहेंगे फॉरवर्ड रिएक्शन अब एक इक्विलिब्रियम इनके बीच भी होगा भाई जितना एक समय के बाद ये जितना डिसोसिएट हो जाएगा उतना ही अमाउंट रहेगा अब जैसे एसिटिक एसिड की जो पीएच है वो फिक्स रहेगी कि हाँ भाई इतनी पीएच है इसकी अगर कोई सल्यूशन है कोई गिवन सल्यूशन है तो उसकी पीएच फिक्स है मतलब उसमें हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन भी फिक्स है तो एक समय के बाद जितना टूटेगा उतना असोसिएट भी हो जाएगा तो रेट ऑफ डिसोसिएशन यहां पर जो डिसोसिएशन का रेट है वो एसोसिएशन के बराबर हो जाएगा और इसी को हम कहते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम तो तीन तरह के इक्विलिब्रियम है फिजिकल केमिकल आयनिक केमिकल में केमिकल फॉर्मूला बदलेगा इसमें आयंस बनेंगे और आयंस फिर दोबारा जुड़ के स्टेटमेंट इक्विलीब्रियम इज नेचर इक्विलिब्रियम जो है वो डायनेमिक है नेचर में इसका मतलब क्या है देखो इसको अपन एक, एक कहानी से समझते हैं भाई यहाँ पर एक रिवर है, और, है।, और, एक है और रिवर के ए साइड बहुत सारे पत्थर हैं और यहाँ एक बंदरों का झुंड रहता है ए और रिवर के बी साइड भी बंदर रहते हैं और बंदरों का झुंड रहता है बी अब देखो यहाँ से ये जो ए साइड के जो बंदर हैं उनके पास बहुत सारे पत्थर हैं और ये यहाँ से पत्थर फेंकना चालू करेंगे ठीक है इनके पास बहुत सारे पत्थर हैं इनके पास पत्थर ना के बराबर तो यहां पर देखो मैं बात कर रहा हूं रिएक्टेंट की एंड प्रोडक्ट की रिएक्टेंट मतलब ये जो है ये पोर्शन रिएक्टेंट का है अब यहां से अपन पत्थर फेंकेंगे तो होगी फॉरवर्ड यहां से बंदर पत्थर फेंकना चालू करेंगे तो यहां पर पत्थर इकट्ठे होने लगेंगे लेकिन इनके पास पत्थर कम होंगे ये भी अब फेंकना चालू करेंगे लेकिन स्टार्टिंग में इन्होंने फेंके तो स्टार्टिंग में क्या है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है फिर उसके बाद यहां पर जब थोड़े बहुत पत्थर हो जाएंगे कॉन्सनट्रेशन पत्थरों की यहां कम है तो यह भी बैकवर्ड रिएक्शन भी होने लगेगी लेकिन बैकवर्ड रिएक्शन स्लो होगी अब जैसे मान लो यहां से दस पत्थर आ रहे थे तो पहले यहां से जीरो आ रहे थे अब यहां पे क्या धीरे धीरे कॉन्सेंट्रेशन कम होने लगेगी रिएक्टेंट खत्म होने लगेगा तो यहां पर रिएक्टेंट जब कम होने लगेगा तो फॉरवर्ड का रेट भी धीरे धीरे कम होने लगेगा जैसे मान लो अब यहां से आठ आने लगे यहां से दो आने लगे कुछ समय के बाद यहां पर से सात पत्थर आ रहे हैं यहां से तीन आने लगे और कुछ समय के बाद ये बराबर हो गया यहां से पांच पत्थर आ रहे हैं यहां से पांच पत्थर आ रहे हैं पत्थरों की कॉन्सेंट्रेशन ए और बी दोनों साइड बराबर हो गई और इस कंडीशन को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन तो यहां पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के साथ भी ऐसा होता है रिएक्टेंट जैसे ये देखो नाइट्रोजन थ्राइस हाइड्रोजन अमोनिया बनाएगा तो पहले होगी फॉरवर्ड रिएक्शन नाइट्रोजन हाइड्रोजन कंबाइन होगा अमोनिया बनाएगा अमोनिया बनाएगा अमोनिया बनाएगा और फिर अमोनिया ब्रेक होगा फिर बैकवर्ड चालू हो जाएगी और एक समय ऐसा आएगा जब इन अमोनिया के फॉर्मेशन की स्पीड अमोनिया के डिसोसिएशन के बराबर हो जाएगी और उस कंडीशन को हम कहेंगे इक्विलिब्रियम कंडीशन अब देखो यहां पर ये पत्थर फेंकने बंद हो गए क्या नहीं यहां से पांच पत्थर आ रहे हैं यहां से पांच पत्थर आ रहे हैं कॉन्सेंट्रेशन दोनों की बराबर बनी हुई है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि रिएक्शन रुक गई है रिएक्शन हो रही है और यही बात बोली है इक्विलिब्रियम इज डायनामिक इन नेचर इक्विलिब्रियम है उसमें डायनामिक है मतलब वो चल रहा है कहीं ना कहीं फॉरवर्ड बैकवर्ड रिएक्शन हो रही है डिफाइन केमिकल इक्विलिब्रियम केमिकल इक्विलिब्रियम की हम बात करें तो जैसा अभी मैंने बताया चलो एक कंटेनर लेते हैं कंटेनर में नाइट्रोजन लिया राइस हाइड्रोजन लिया ये दोनों क्या बनाएंगे अमोनिया बनाएंगे ठीक है तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई फॉरवर्ड ये अमोनिया बनाते जाएंगे बनाते जाएंगे अब कुछ समय के बाद जब अमोनिया ज्यादा हो जाएगा तो अमोनिया ब्रेक होगा और ये रिएक्शन होगी बैकवर्ड तो यहां पर देखो ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ने मिलकर क्या बनाया अमोनिया बनाया और इसको क्या कहेंगे हम फॉरवर्ड रिएक्शन और जब यह अमोनिया ब्रेक हो रहा है तो क्या होगी बैकवर्ड रिएक्शन और केमिकल इक्विलिब्रियम में केमिकल इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होके प्रोडक्ट बनाते हैं जिनका मॉलिकुलर फॉर्मूला बदल जाता है जो केमिकली बदल जाता है तो यहां पर यहां पर रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होंगे ये स्मॉल कैपिटल स्मॉल बी कैपिटल स्मॉल सी कैपिटल सी स्मॉल डी कैपिटल डी तो यहां पर यह होगा रिएक्टेंट और यह होगा प्रोडक्ट तो यहां पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इन अ केमिकल रिएक्शन द इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड केमिकल इक्विलिब्रियम व्हाट इज लॉ ऑफ मास एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है लॉ ऑफ मास एक्शन इमेजिन करो भाई हमारे पास एक कंटेनर है कंटेनर है वन लीटर का ठीक है और मैंने इसमें नाइट्रोजन का एक मॉलिक्यूल डाला सिंगल मॉलिक्यूल और हाइड्रोजन के मैंने यहां पर थ्री मॉलिक्यूल डाले तो नाइट्रोजन का यहां एक मॉलिक्यूल डाला और हाइड्रोजन के डाले यहां पर थ्री मॉलिक्यूल सभी के सभी गैस हैं सभी के सभी गैस हैं सभी के सभी रैंडमली मूव कर रहे हैं। अब क्या ये चारों एक साथ एक ही जगह पर टकरा कर प्रोडक्ट बना सकते हैं नाइट्रोजन का एक मॉलिक्यूल डाला हाइड्रोजन के तीन मॉलिक्यूल डाले नहीं बना सकते क्यों नहीं बना सकते समझना मेरी बात को आपने रिएक्शन पढ़ी होगी एन टू प्लस थ्राइस एच टू गिवस एन एस थ्री अमोनिया बनाने का तरीका लेकिन मेरा सवाल ध्यान से सुनना मैंने नाइट्रोजन का एक मॉलिक्यूल दिया हाइड्रोजन के तीन मॉलिक्यूल दिए मतलब मैं बात कर रहा हूँ एक बहुत बड़े कंटेनर की एक लीटर का कंटेनर एक मॉलिक्यूल के लिए बहुत 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 बड़ा है जैसे इस पूरी दुनिया में चार लोग हैं चारों को एक साथ एक ही जगह एक ही समय पर टकराना है असंभव सी बात है वो वैसे ही नाइट्रोजन का एक मॉलिक्यूल और हाइड्रोजन के तीन मॉलिक्यूल आपस में टकराकर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएं इस बात की संभावना बहुत कम है इनके कोलिजन की संभावना बहुत कम है इनके कोलिजन की प्रॉबेबिलिटी बहुत कम है तो हमें क्या करना पड़ेगा अरे भाई ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की हमें कॉन्सेंट्रेशन बढ़ानी पड़ेगी अब जैसे मान लो ये नाइट्रोजन आ गया और तीन हाइड्रोजन का वेट कर रहा है तीनों हाइड्रोजन आए ही नहीं जब तक दो हाइड्रोजन आए ये नाइट्रोजन कहीं चला गया तीसरा हाइड्रोजन आया तब तब तक नाइट्रोजन आया ही नहीं था ठीक है तो कोई भी प्रॉबिलिटी हो सकती है तो यहां पर अगर केवल सिंगल मॉलिक्यूल होंगे तो आपस में टकरा कर प्रोडक्ट कभी नहीं बना सकते अब हमें क्या करना पड़ेगा अगर हमें किसी रिएक्शन के रेट को बढ़ाना है व्हाट इज रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन रेट का मतलब होता है कितनी फटाफट रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होकर प्रोडक्ट बनाएगा कितनी फटाफट रिएक्शन होगी कितनी स्पीड से रिएक्शन होगी कितनी जल्दी रिएक्शन होगी उसको हम कहते हैं रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन तो रेट इस बात पर निर्भर करेगा कि भाई इनकी कॉन्सनट्रेशन क्या है अगर ए और बी अगर रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो रेट भी ज्यादा होगा तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेस टू दावर देयर मोल कोफिशियंट तो समझना बात को तो रेट का एक एक्सप्रेशन दिया लॉ ऑफ एक्शन ने तो ये बात तो आपको क्लियर हो गई होगी कि भाई किस तरीके से रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली पोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी कैपिटल बी ये हमारे पास क्या है रिएक्टेंट ये हमारे पास क्या है प्रोडक्ट रिएक्टेंट ज्यादा होगा कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे आपस में टकराने की संभावनाएं ज्यादा होंगी तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन भी ज्यादा होगा फास्ट होगा इसको हम कहेंगे फॉरवर्ड रिएक्शन अब फॉरवर्ड रिएक्शन में क्या होगा रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेस्ट टू दावर देअर मोल कोफिशियंट तो रेट इज इक्वल टू रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेस्ट टू दावर देअर मोल कोफिशियंट तो रेट क्या हो जाएगा रेट इज इक्वल टू हो जाएगा के एफ के एफ हो जाएगा रेट कॉन्सटेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो फॉरवर्ड का आएगा ए की पावर स्मॉल ए एंड बी की पावर स्मॉल बी और ये आपका हो गया रेट लॉ एक्सप्रेशन और दिस इज ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ मास एक्शन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू प्रपोर्शनल डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेस टू दावर रेस टू दी पावर दे आर मोल कोफिशियंट दे आर मोल को एफिशियंट तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्ट प्रपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेस टू दावर दे आर मोल कोफिशियंट अब ये रिएक्शन अगर बैकवर्ड होने लगेगी ना अगर बैकवर्ड होने लगेगी तो बैकवर्ड के लिए ये दोनों रिएक्टेंट हो जाएंगे बैकवर्ड रिएक्शन के लिए ये दोनों रिएक्टेंट होंगे और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज़ इक्वल टू के बी सी की पावर सी एंड डी की पावर डी व्हाट इज रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन जैसा कि मैंने बताया आपको कि भाई रिएक्टेंट किस स्पीड से टकराएगा कितनी जल्दी टकराएगा कितना फटाफट फट्क प्रोडक्ट बनाएगा इसको हम कहेंगे रेट अब रेट का मतलब क्या होता है रेट का मतलब होता है चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अब देखो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन बदलेगी तो प्रोडक्ट बद, बदलेगा जैसे रिएक्टेंट खत्म होगा तो प्रोडक्ट बनेगा ये रिएक्टेंट है ये प्रोडक्ट है जिस स्पीड से रिएक्टेंट खत्म होगा उस स्पीड से प्रोडक्ट बनेगा तो यहां पर रेट का मतलब क्या है कितनी फटाफट रिएक्टेंट खत्म हो रहा है चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन तो रेट क्या हो जाएगा डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी यहाँ पर यह हो जाएगा आर टू माइनस आर वन डिवाइडेड बाई टी टू माइनस टी वन ये रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन हो गया अब देखो क्या होता है समय के साथ जो रिएक्टेंट है वो कम होता है ये टाइम है और टाइम के साथ रिएक्टेंट जो है उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम होगी अब जैसे हम देखें यहां पर ये आर वन है टी वन टाइम पर ये आर टू है टी टू टाइम पर तो समय के साथ क्या है कॉन्सेंट्रेशन कम हो रही है इसका मतलब आर वन बड़ा है आर टू से तो ये जो टर्म है निगेटिव में आने वाली है और निगेटिव में हमें नहीं चाहिए इसलिए आगे माइनस लगा देते हैं इसलिए आगे माइनस लगा देते हैं तो ये रेट है देखो कुछ खत्म होगा तो कुछ बनेगा भी तो यहाँ पर रिएक्टेंट का रेट खत्म होने का रेट है डिसपियरेंस का रेट है वहीं प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो प्रोडक्ट क्या है समय के साथ बढ़ेगा तो दिस इज रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट ठीक है और इस इक्विलिब्रियम के अगर कंबाइंड ग्राफ को अगर हम बनाएं तो यहां पर ये रिएक्टेंट की कॉन्ट्रेशन ये प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन ये प्रोडक्ट है ये रिएक्टेंट है और ये कंडीशन हो गई इक्विलिब्रियम की हाउ कंसंट्रेशन अफेक्ट्स द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि अगर रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो उनकी आपस में टकराने की संभावना ज्यादा है उनकी कोलिजन फ्रीक्वेंसी ज्यादा है और कोलिजन फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तभी प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा इसलिए रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेस टू दी पावर देयर मोल कोफिशियंट और इसका आप इक्वेशन लिख के रेट इज इक्वल टू के ए की पावर स्मॉल ए एंड बी की पावर स्मॉल बी ये रेट लॉ एक्सप्रेशन है व्हाट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के क्या है अब देखो क्या होता है जब इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाती है और इन ये जो रेट कॉन्स्टेंट ऑफ फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन का जो रेशियो है उसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट के एफ अपॉन के बी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन का जो कॉन्स्टेंट है और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन कॉन्स्टेंट ऑफ रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन फॉरवर्ड और बैकवर्ड कॉन्स्टेंट का जो रेशियू है उसको हम बोलते हैं केसी और केसी को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट